कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन पुलाव बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, जो फटाफट तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले हमने एक बर्तन में आधे कप से थोड़ा कम ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। ऑयल में हम दो तेज़पत्ते डाल देंगे। तेल की जो क्वांटिटी है ये आपके ऊपर डिपेंड होती है, आप चाहें तो कम भी डालें या ज़्यादा डाल दें। हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। गरम मसालों में हमने लिया है दो पीस छोटे दालचीनी के, एक बड़ी इलायची, तीन हरी इलायची और तीन लौंग। इन्हें हम ऑयल में डाल देंगे। हम इसमें एक टीस्पून काला ज़ीरा भी डाल देंगे, जिसे हम शाहज़ीरा भी कहते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। मसाले फ्राई हो चुके हैं, हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमने यहाँ पर दो प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और उन्हें इस तरह से स्लाइस कर लिया है। साथ में हम इनमें हरी मिर्चियाँ डाल देंगे, 6 से 7। हमने हरी मिर्चियों में बीच में थोड़ा थोड़ा कट लगा लिया है ताकि वो ऑयल में जाके फटे नहीं। हरी मिर्चियों की क्वांटिटी आप पे डिपेंड होती है, आपके घर में जिस तरह तीखा खाते हैं उस तरह डालें। प्याज को हमें लाइट गोल्डन करना है। हमने 1.5 कप यानी कि 1.5 कप बासमती चावल धोकर भिगा दिए हैं। जब भी आप पुलाव बनाना स्टार्ट करें, सबसे पहले चावल को धोकर भिगा दें, क्योंकि जब तक हमारी बाकी की तैयारियाँ होंगी हमारे चावल भी अच्छी तरह भीग कर तैयार हो जाएंगे। यहाँ हमने 300 ग्राम बासमती चावल यूज़ किया है। प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है, हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन प्याज नहीं चाहिए, बस ऐसी ही प्याज चाहिए। हम इसमें 500 ग्राम चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से धोया है और फिर इसका पानी सुखा लिया है। हल्दी पाउडर डाल देंगे, बस एक चुटकी, ज़्यादा नहीं। थोड़ा नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। फ्लेम को हाई रख के अच्छी तरह से हमें तमाम चीज़ों को फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। चिकन बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गई है, बस इसी तरह हमें हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई करना है। हमने फ्लेम को अभी बिल्कुल लो कर दिया है। हम चिकन को लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट पकने देंगे, लेकिन 1 से 2 बार चेक भी करेंगे। अगर ज़रूरी लगे तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके भी इसे पकाएंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को लो फ्लेम पर पकते। तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह पक गई हैं, चिकन भी काफ़ी हद तक गल गई है। फ्लेम को अभी हमें लो ही रखना है और कुछ चीज़ें और डाल देनी है इसमें। हम इसमें एक टमाटर डाल देंगे, इस तरह से पतली पतली स्लाइसेस किए हैं हमने। बीट कीवी दही ये 3 से 4 टेबलस्पून यूज़ किया है हमने। 2 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है, तो फ्लेम को लो करें वरना दही फट सकती है। अच्छी तरह से पहले हम सारी चीज़ों को मिलाएंगे, उसके बाद फ्लेम को हाई करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमने फ्लेम को हाई किया है। हम इसमें 2 आलू डाल देंगे, इस तरह से बड़ा बड़ा कट करके। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो ना डालें। अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम फ्लेम को लो करेंगे और दोबारा इसे 5 से 6 मिनट पकने देंगे। हम चाहते हैं कि आलू 50% तक पक जाएं, बाद में हम चावलों के साथ इसे पकाएंगे तो ये कम्प्लीटली पक जाएंगे। बस 5 से 6 मिनट हमें इसे पकाना है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह पक गई हैं, टमाटर भी गल गए हैं अच्छी तरह से। हम अब इसमें चावल डाल देंगे, जो चावल हम भिगा कर रखे हैं। यहाँ पर हमने 1.5 कप चावल लिया है, जिसे हमने 3 कप पानी में भिगा दिया था। उसी 3 कप पानी के साथ हम चावलों को डाल रहे हैं। फ्लेम को अभी हमें हाई कर देना है। हमने इसमें चावल डाले हैं तो चावलों का नमक भी डालेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। काफ़ी सारा हरा धनिया भी डालेंगे।
फ्लेम को हाई रखना है और अच्छी तरह से इसे बॉईल होने देना है हमें। अच्छी तरह से इसमें बॉईल आ रहा है, हम इसे इसी तरह 3 से 4 मिनट बॉईल होने देंगे हाई फ्लेम पर। ये अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है, इसमें थोड़ा पानी है तो हम अभी और पानी ऐड नहीं करेंगे। फ्लेम को लो करके इसे कवर करके दम पे पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 7 से 8 मिनट, बाद में इसे चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर पकते। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पुलाव बन करके तैयार हुआ है, हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे रायते के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और हाँ अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।